हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड गौरव के। आज मैं आपको लेकर आया हूं पंजाबी बाग, दिल्ली में पंजाबी बाग में, जहां पर है भारत दर्शन पार्क। इस पार्क में आपको पूरे भारत के जो मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनका नज़ारा देखने को मिलेगा छोटी सी जगह पर। इस पार्क की जो टिकट है वो 150 जाती है, और जो दिन में रहती है वो 100 रुपये पर पर्सन टिकट है, और बुज़ुर्गों के लिए वही कंसेशन मिलता है, बच्चों के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको पार्क में क्या क्या है, करते हैं एंट्री। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी टिकट शाम के टाइम तो हो जाती है 150 रुपये, और दोपहर में रहती है 100 रुपये। शाम के टाइम शायद ये लाइट के खर्चे के पैसे लेते हैं अपने। सबसे पहले हम इस पार्क में शुरुआत करते हैं तवांग गेट। तो जी, अभी एंट्री करने जा रहे हैं, भाई हमारा टिकट चेक कर रहे हैं। ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तवांग गेट है। अभी अंदर का दिखाते हैं क्या क्या हिसाब है। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली बॉम्बे में बना हुआ है, लेकिन इसका जो एक तरीके से बोलते हैं मुखौटा, या फिर बोलते हैं एक तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली में तैयार करा गया है लोहे से पूरा। यहाँ पर इस पार्क में ऐसे ही पूरे भारत दर्शन दिखाया गया है, जगह जगह पर जो चीज़ें बनी हुई हैं वो दिखाई गई है। तो अभी हम पहले अरुणाचल प्रदेश में, और तवांग गेट दिखाया, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। अंदर देखते हैं क्या क्या है, आइए मेरे साथ। तो जी, ये हम बेसिकली गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर घुस चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, रात के टाइम कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आपको ये सामने दिखाऊंगा बरगद का पेड़। ये पेड़ जो है बेसिकली बंगाल में है, जो तकरीबन 500 साल पुराना पेड़ है। इसकी लटे बहुत ज्यादा फैली हुई है। ये भी पूरा लोहे का यूज करके बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप मेरे सामने। मतलब लाइट के अंदर अच्छा लोकेशन आ रहा है, अच्छा देखने में अच्छा लगता है। तो जी, ये हो गया चौथा मोन्यूमेंट हो गया। ये आइए आपको और मोन्यूमेंट्स दिखाते हैं। यहाँ पर बैठिए थोड़ी देर, थक जाए तो रेस्ट कीजिए आराम से। काफी बड़ा है, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में, एक तरीके से ताजमहल का छोटा रूप लग रहा है देखने में। आइए इसको दिखाते हैं हम चारों तरफ से।
आप गैस कीजिए कि हम कहाँ पर आ गए होंगे, घूमते घूमते विश्व पूरे भारत के दर्शन करते करते कहाँ पर आ गए होंगे। गैस कीजिए जल्दी जल्दी और कमेंट में बताइए किया गैस। तो जी हम इस टाइम खड़े हैं दिल्ली में कुतुब मीनार पे। दो दो कुतुब मीनार हो गए दिल्ली में। तो ये है कुतुब मीनार, आप दिल्ली में एक साथ दो दो कुतुब मीनार देख सकते हैं एक ही दिन में। तो जी अभी हम चलते हैं दूसरे मोनूमेंट्स पे, दिखाते हैं आपको। ये फिलहाल आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, नीचे का एरिया है। अभी हम चल रहे हैं दूसरे मोनूमेंट्स पे जो कि मेरे सामने है एकदम, और मोनूमेंट्स के जस्ट सामने तिरंगा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। दिल्ली में कुतुब मीनार के दर्शन कराते कराते एकदम से हम पहुंच गए बिहार में। बिहार में कहां पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। मतलब ये उस टाइम की यूनिवर्सिटी है जब भारत एक एजुकेशन का हब हुआ करता था, और पूरे वर्ल्ड से जो लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बौद्धों द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, 800 साल तक ये यूनिवर्सिटी चली। तो जी ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये इसका स्ट्रक्चर है जो भी टूट फूट के बचा हुआ है जितना भी। लेकिन ये जो मंदिर पीछे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मेरे, आप पीछे देख रहे होंगे, ये तो ये भारत के सबसे ऊंचे पुराने मंदिरों में से एक है। दूसरा, यहाँ पर जो पत्थर लगाए हुए थे, मतलब ओरिजिनल मंदिर में, वो किसी भी लाइन से देख लीजिए, सीधा एक लाइन में। ये चेयर रखी हुई है कुछ, यहाँ पर आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। पानी की आवाज देखो कितनी अच्छी लगती है। ये एक और मोनूमेंट आ गया है। तो जी ये बनाया हुआ है द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है ये? तो जी ये द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, और इसका भी यहाँ पर हम्पीरथ बना हुआ है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है।
प्यारा सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है कर्नाटका का मैसूर पैलेस। रेड रेड में तो और भी प्यारा लग रहा है ये, मतलब ओए होए। मंदिर ठीक है, ये है कहां पर? ये है कर्नाटका उड़ीसा इंडिया है? नहीं, ये है कहां पर? ये है कोणार्क में उड़ीसा। और जी ये सामने आप मंदिर की प्रतिमा देख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो जी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। पार्क घूम चुके हैं ठीक है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ चुका है। और पार्क में जैसे 150 रुपये का टिकट है शाम के टाइम का, एक तरीके से देखा जाए तो सही भी और एक तरीके से देखा जाए तो महंगा भी है। सही इस वजह से क्योंकि लगभग सभी मोन्यूमेंट्स को दिखाया गया है इसमें, कुछ छोड़े हुए भी हैं लेकिन मैक्सिमम सबको दिखाया गया है ठीक है। लेकिन अच्छा पार्क है, आइए घूमिए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए शाम के टाइम आइए। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, शाम के टाइम जो लाइट लगती है, जो यूज़ होता है लाइट का, उसका अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल की जो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।